resignation of over 20 Congress MLAs in Madhya Pradesh. Led by their apparent leader Jyotiraditya Scindia, who exited the Congress. The state government, led by Kamal Nath, staring at collapse. As Madhya Pradesh attempts to figure out its political future, here is a quick lowdown on how the chips are stacked in the state assembly. The Madhya Pradesh Assembly currently has 228 members. Two seats are vacant. Before the crisis, the Congress enjoyed a wafer-thin majority. While the House had a majority mark of 115, Congress had 114 MLAs. It was supported by 2 BSP, 1 SP and 4 independent MLAs. The BJP had 107 legislators. Now, if the resignation of 22 MLAs is accepted, they would be disqualified under the anti-defection law. This would bring down the House strength to 206. The majority mark would be reduced to 104. The Congress camp, without the 22 MLAs, would consist of 99 legislators. The BJP, with 107 MLAs, would be in a position to form the government. Some in the Congress are already preparing for an overthrow. संकट क्या है वो तो लग रहा है कि अब सरकार कांग्रेस की नहीं रहेगी और हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कमर कस लेना चाहिए बाकी लोग बहुत उम्मीद जता रहे हैं अभी भी मेरा अपना सोचना है अब मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगे आपके हिसाब से रियलिटी यही है सच्चाई है सच्चाई का सामना करने में डरना क्या ये इस इशू को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया मैं उसमें नहीं पड़ता क्यों नहीं किया क्या नहीं किया लेकिन हमें आगे कमर कस के मजबूत रहना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन की कमी रही क्या पूरी चीज मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्या फायदा पढ़ने से जो होना था हो गया चुनाव के लिए भी तैयार है कमर कस के तैयार हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है जनता फिर से चुन के हमें बिठाएगी The BJP has said that more Congress MLAs are likely to jump ship. संख्या बड़ी हो सकती है अधिकांश लोग इच्छुक हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है कितना सर फिर भी अभी अभी की जो स्थिति है वो लगभग 30 के आसपास है 35 भी हो सकती है 40 भी हो सकती है अभी जिस तरह से मेल किए हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वो स्वीकार नहीं किए गए उनका कहना है जो पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि जब प्रत्यक्ष रूप से देंगे तभी हम उसको स्वीकृत मानेंगे नहीं तो नहीं हम लोग ओरिजिनल कॉपी भी उनको प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं और उसके बाद स्पीकर महोदय को जो प्रक्रिया है वो पालन करेंगे और मुझे लगता है उनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए अभी आप विधानसभा जाने वाले विधानसभा जाएंगे